हर कदम बिखरा के अपना खून अपनी बोटियां, जब शहीदों ने बचाई कारगिल की चोटियां। कारगिल की चोटियों में भारतीय सेना का शौर्य लहू के रूप में अनंत काल तक चमकता रहेगा। कारगिल की इन्हीं चोटियों में हिमाचल के वीर बलिदानियों की शौर्य गाथा भी पत्थरों पर अमिट छाप के साथ साथ यहाँ की मिट्टी के कणकण में लिपटी हुई है। हिमाचल के वीर मेजर परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा ने जिस परंपरा की नींव रखी थी, उसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरव कालिया जैसे वीरों ने अभेद मजबूती दी है। कारगिल विजय दिवस पर हिमाचल के वीरों की स्मृति बरबस ही हो आती है। शहीदों की याद में जो है यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, हर साल की भांति जो है आज शिमला में भी उनको याद किया गया, जो हमारे शहीद हैं उनको याद किया गया, उनको जो है हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जिनके जिन शहीदों के वजह से, मैं समझता हूँ कि हिमाचल से सबसे ज़्यादा शहीद करीबन 527 लोग शहीद हुए थे, जिसमें अधिकतर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के थे। और मैं समझता हूँ सभी की वजह से जो शहीद हैं और जो सर्विंग भी लोग हैं आर्मीज में और फोर्सेज में, विमेन फोर्सेज में तीनों, उनकी वजह से जो है हम खुली सांस जो है अपने देश में ले पा रहे हैं। मैं उनका आभारी हूं और धन्यवाद। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस युद्ध में हिमाचल प्रदेश के भी कई वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर मां भारतीय की रक्षा की थी और इस युद्ध में देश के 527 जवानों ने बलिदान दिया था। छोटे से राज्य हिमाचल के 52 वीरों ने भी अपने प्राण नौछावर करके पहाड़ जैसा शौर्य दिखाया था। इनकी कुर्बानियां कारगिल की चोटियों पर अंकित हैं। यही वजह है कि हिमाचल को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। कारगिल युद्ध में सेना के सर्वोच्च सम्मान में 4 परमवीर चक्र समेत अनेकों चक्र इस वीर भूमि के वीरों के कंधे पर सुसज्जित हैं। कारगिल युद्ध में शहादत पाने वाले कांगड़ा जिले के 15 जवान, मंडी के 10, हमीरपुर के 8, बिलासपुर के 7, शिमला के 4, ऊना, सोलन और सिरमौर के 2-2, चंबा और कुल्लू जिले से 1-1 जवान ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले विक्रम बत्रा को कोई कैसे भूल सकता है। ऑपरेशन विजय विक्रम बत्रा की अगुवाई में शुरू हुआ है और इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल पहले जून 1999 को विक्रम बत्रा की टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प और राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और दुश्मनों को मार गिराया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा, तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इस दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी उपाधि दी गई। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंक कर उनको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। इस युद्ध में देश की महत्वपूर्ण चोटी तो पर विजय हासिल कर ली, लेकिन देश ने अपने जाबाज जवान को खो दिया। उनकी इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। शहीदों की शहादत को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में देश भर में जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और वीरों को याद किया गया। शिमला से कमल ठाकुर, हमीरपुर से जसबीर कुमार, ऊना से अमित शर्मा, सूर्या समाचार।